मिलन मेरे सहयोगी भी तमाम जानकारी के साथ जुड़ी हुई है। मिलन, जिस वोटिंग सेंटर पर आप मौजूद हैं वहां क्या स्थिति है, किस तरीके का टर्नआउट है? जी, आपको दिखाना चाहूंगी कि दिन जैसे चढ़ा वैसे ही धूप निकली और ज्यादातर जो गुजरात की जनता है वो इस वक्त वोट करती आपको दिखाई देगी। लंबी कतारें यहां पर दिखाई दे रही हैं वोटिंग सेंटर पर। इस वक्त हम एलिस ब्रिज की जो सीट है वहां पर है। बहुत ही दिलचस्प, यहां के जो कैंडिडेट हैं उनका भी नाम अमित शाह है और वो यहां से 3 बार के मेयर रह चुके हैं और माना जाता है कि ये सीट भी भाजपा ने पिछली 7 बारी जीती है और इस बार भी लड़ाई इस सीट को बरकरार रखने की ही होगी। लेकिन आप देख सकते हैं कि बुजुर्ग वोटर हैं, यंग वोटर हैं, सारे आपको यहां पर दिखाई दे जाएंगे और एक एक करके यहां पर लोग आते हुए लंबी कतारों में, ये लाइन सीधा मुड़ती हुई एकदम अंदर की तरफ जा रही है। लोग इंतजार भी कर रहे हैं क्योंकि यहां पर लोगों का कहना है कि पहले यहां वोट करेंगे उसके बाद अंदर जाकर अपनी दुकानें या अपना व्यवसाय फिर खोलेंगे। लेकिन लगातार हम आपको दिखा रहे हैं क्योंकि सुबह का जो वोट प्रतिशत है वो थोड़ा सा कम होता हुआ दिख रहा था, लेकिन ऐसा लगता है कि दिन चढ़ते चढ़ते हो सकता है कि वोट प्रतिशत बढ़ता हुआ दिखाई दे। अर्बन सीट है ये और अर्बन सीटों में अक्सर देखा जाता है कि वोटिंग कम होती है, लेकिन इस बार ऐसा लग रहा है कि शायद यहां पर जो वोटर्स में उत्साह है और खासकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपील किया है, अमित शाह गृह मंत्री ने अपील की है कि लोग ज्यादा से ज्यादा तादाद में बाहर आकर वोट दे, तो आपको उसका परिणाम इस वक्त दिखा रहे हैं। आप वोट कर चुके हैं, बिना पार्टी या किसी का नाम लिए बगैर आप बता सकते हैं कि एलिस ब्रिज में मुद्दा क्या है वोटिंग का? देखिए, बीजेपी नहीं, पार्टी का नाम नहीं ले सकते, यहाँ पार्टी का नाम नहीं है। विकास का मुद्दा है, परिवर्तन है या फिर महंगाई? विकास ही है मुद्दा। अच्छा, तो ज्यादातर आप देख सकती हैं नेहा कि यहाँ पर विकास का मुद्दा है। जाहिर सी बात है कि हम पार्टी का नाम और प्रत्याशी का नाम नहीं ले सकते, लेकिन क्योंकि ये एलिस ब्रिज की सीट 7 बार बीजेपी जीत चुकी है, इस बारी भी क्या जीत पाएगी ये बड़ा सवाल है। लेकिन लंबी कतारें इस वक्त लगी है यहाँ पर मतदान करने। बिल्कुल, लंबी कतारें लगी हुई है और ऐसा कई मतदान केंद्रों पर देखा जा रहा है जहां पर अब दिन चढ़ने के साथ साथ लोगों का आना शुरू हो गया है। पंकज मेरे सहयोगी जुड़े हुए हैं। पंकज, देखिए, आप उस सीट पर, उस जगह पर मौजूद हैं जहां पर हमेशा से ही एक मुद्दा हावी रहा, लेकिन क्या इस बार लोगों ने वो मुद्दा हाइंडसाइट में कर विकास के नाम पर वोट किया है या फिर कोई और मुद्दा छाया रहा? देखिए, कल से यहाँ मैं जिन लोगों से बात कर पाया हूँ उनका यही कहना है कि वो विकास के मुद्दे पर इस बार वोट करने वाले हैं। वो कहते हैं उन्हें इलाके का डेवलपमेंट चाहिए और यही कारण है शायद कांग्रेस और बीजेपी का गेम बिगाड़ने के लिए AIMIM की जो एंट्री हुई है उस पर सबकी निगाहें लगी हुई है। अब MIM ने म्यूनिसिपल इलेक्शंस में काफी अच्छा प्रदर्शन किया था और उसी के बिना पर यहाँ पर MIM को इस बार लग रहा है कि शायद वो म्युनिसिपैलिटी से होते होते असेंबली तक का रास्ता भी तैयार कर लेगी। लेकिन जैसा कि हमने देखा 2007 से लेकर 2017 तक कांग्रेस ने यहां पर बाजी मारी थी, उसके बाद भारतीय जनता पार्टी ने 2017 में बाजी मारी। लेकिन दिलचस्प बात तो यह है, जो डिफरेंस था, विक्ट्री का जो डिफरेंस था वो 258 वोट का था सिर्फ, और वैसे भी 2002 से 2017 तक हमने देखा है कि जो विक्ट्री का मार्जिन रहा है वो 3000 वोट से ज्यादा नहीं रहा है। इसीलिए क्योंकि कांग्रेस और बीजेपी की यहां पर ड्यूपोली रही है और इस बार MIM के आने से मैटर कॉम्प्लिकेट हो गया है। एक मुद्दा जो मैं लोगों से बात करके मैं समझा हूं वो ये भी है कि कांग्रेस के लिए थोड़ी सी बेचैनी यहां पर इसलिए भी बढ़ गई है क्योंकि कई लोग हैं वो MIM पे अपना भरोसा जता रहे हैं। अगर ऐसा होता है तो कांग्रेस के वोट कटते हैं और ऐसे एडवांटेज बीजेपी हो जाएगा। जैसे कि मैंने बताया पिछली बार भी जो विक्ट्री मार्जिन था वो 258 तक का था, तो ये सीट काफी दिलचस्प है, सेंसिटिव है, कम्युनली सेंसिटिव है। हालांकि 2002 के बाद यहां पर कोई मेजर राइट्स तो नहीं हुए, बावजूद इसके जो यहां गोधरा की इमेज बनी हुई है ऑफ अ वेरी कम्युनल सेंसिटिव कॉन्स्टिट्यूएंसी वो अभी तक नहीं गई है। 11 बजे तक के हमने रुझान दिखाए, पंचमहल जिला जिसके अंदर गोधरा आता है 20% से कम का मतदान हुआ है आसपास भी, लेकिन जैसे मैं देख रहा हूं धीरे धीरे भीड़ जो है वो जरूर बढ़ रही है, इस तरफ इशारा कर रही है कि शायद लोग ज्यादा से ज्यादा संख्या में अब आ रहे हैं। सुबह शायद ठंड भी थी इसकी वजह से लोग नहीं आ रहे थे, लेकिन हालांकि मैं ये कहूंगा कि ऐसा नहीं है कि भारी उत्साह यहां पर दिख रहा है, लेकिन निराशावादी एटीट्यूड यहां लोगों में नहीं दिख रहा है। लोग धीरे धीरे अपने घरों से आ रहे हैं और अलग अलग बूथ्स पे जिस तरीके की यहां पर भीड़ धीरे धीरे बढ़ रही है वो इसी तरफ इशारा कर रही है कि शायद जैसे जैसे दिन और चढ़ेगा तो यहां पर घरों से लोग और आएंगे। एक प्रेस्टीज
सीट जरूर बन गई है भारतीय जनता पार्टी के लिए भी, क्योंकि बीजेपी कह रही है वो विकास के नाम पर यहां पर लोगों से वोट मांग रही है। कांग्रेस को भी देखना है क्योंकि एमआईएम की एंट्री के साथ अगर उसका कहीं पत्ता कट जाता है तो ये बहुत ही शर्मनाक यहां पर बात हो जाएगी। लेकिन कांग्रेस कह रही है वो बिल्कुल आश्वस्त है, ना ही यहां पर आम आदमी पार्टी का कोई वजूद है, ना ही एमआईएम का कोई वजूद है। तो यहां पर कांग्रेस और एमआईएम की भी बड़ी तगड़ी हमने नोकझोंक देखने को मिली है। लेकिन ये सीट ऐसी है जिसके लिए कुछ कहा नहीं जा सकता। कांग्रेस और बीजेपी की 2002 से ही ड्यूपोली रही है, 2007 से 2017 तक कांग्रेस ने बाजी मारी, लेकिन वही कैंडिडेट जो दो बार कांग्रेस की सीट पर जीत के आए 2017 में, वो भाजपा के पाले में चले गए और एक बार फिर से जीत के आए, लेकिन विक्ट्री का मार्जिन 258 ही रहा। कुछ भी हो सकता है, कुछ कहा नहीं जा सकता है, लेकिन फिलहाल नजर बनी हुई है वोटर्स पे जो धीरे धीरे पोलिंग बूथ पर आ रहे हैं। बिल्कुल, और 8 दिसंबर पर सभी की निगाहें टिकी हुई